ये क्वेश्चंस चैलेंज किए गए हैं एलन की तरफ से और कुछ एलन के स्टूडेंट की तरफ से। वहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे लगाए गए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस कर दिए गए हैं चैलेंज, कि आप दोबारा उनको चैलेंज ना करें ताकि आपके भी पैसे ख़राब होंगे। एक तो ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये किया गया है चैलेंज। उसके बाद ये वाला, हालांकि इसका आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लोगों ने सही दिया, सेकंड आंसर दिया है, बट ये चैलेंज किया गया है। ये आंसर भी चैलेंज किया गया है एनटीए को। उसके बाद ये वाला आंसर भी चैलेंज किया गया है, और ये वाला आंसर भी 74 भी चैलेंज किया है लोगों ने। अब मुझे मत बोलिए क्यों चैलेंज किया है, आप भी चैलेंज कर सकते हो कोई भी आंसर। और सबसे बड़ी बात, ये वाला आंसर तो पक्का श्योर एग्जिट जाना चाहिए, एनसीईआरटी में एग्जिट दिया है, लेकिन एनटीए इसको सस्पेंड बांध रहा है। इस आंसर के इन लोगों ने दो आंसर दिए एक क्वेश्चन के, तो ये वाला बोनस नहीं जाएगा, उन्हीं को सही मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने सही किया था। मेरा ये गलत हो गया है, आप लोगों का भी अगर गलत हुआ है तो आपको ये गलत मार्क करना होगा। दो आंसर हैं, दोनों में से कोई एक जिसका सही होगा उसका सही माना जाएगा। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी, ये पहले वाला जो था ना, ये भी चैलेंज किया गया है, ये भी चैलेंज किया गया है। मेरा भी ये वाला गलत हुआ है, मेरे फिजिक्स में दो क्वेश्चन गलत हो गए हैं, एक ये मैं सही मान रहा था लेकिन ये गलत हो गया है। इसका थर्ड वाला ऑप्शन जा रहा है, इसको भी चैलेंज किया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन चैलेंज कर दिए गए हैं एनटीए के लिए। अब देखते हैं एनटीए क्या इनको रिस्पॉन्स करता है, किसको सही करता है। एनटीए ने बोनस तो एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं किया है।